गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब आवर चैनल टू हेल्प अस, टू मोटिवेट अस, सो दैट वी कैन गिव यू मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोज. नाउ वी आर गोइंग फॉर 1.3 बास्केट फुल ऑफ मून लाइट. आज हम बास्केट फुल ऑफ मून लाइट यानी टोकरी भर के चांदनी के लिए इस नज़म का मुताला करेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे. ओ मून, ए चांद, गिव मी मून लाइट, मुझे चांदनी दो. बास्केट फुल और टू बास्केट्स फुल, एक टोकरी भर के या दो टोकरियाँ. विथ सीड्स ऑफ मून लाइट, जिसमें चांदनी के बीज भी हो. फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, शहर से गाँव तक, शहर से मेरे गाँव तक रास्ते के दोनों तरफ, दोनों साइड में. आई वॉन्ट टू सो मैनी, मैं बहुत सारे बीज लगाना चाहता हूँ. स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे चांद जो रोशनी दे. द होल विलेज गोज़ टू द सिटी, पूरा गांव शहर जाता है. डेली टू वर्क, काम करने के लिए रोज़ाना. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, और अंधेरा हो जाता है जब वापसी का सफ़र शुरू होता है. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, चूँकि मेरा गाँव काफ़ी दूर है. द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस, रास्ता पूरा सांप और बिच्छुओं से भरा हुआ है. नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना बस और ना ही कोई टांगा चलता है, कोई कार्ट चलता है. प्लाइज का मतलब होता है ट्रैवल टू एंड फ्रो, व आना और जाना, लगा रहना. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम अस्लीप, जब मेरे वालिद घर वापस आते हैं मैं सो चुका होता हूँ. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम अस्लीप एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग, और वो वापस चले जाते हैं सुबह सुबह उठकर जब मैं सो रहा होता हूँ. ओ मून, ए चांद, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, मुझे बास्केट यानी टोकरी भर के चांदनी दो. ऑन लोन, कर्ज पर ही दे दो. आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मैं इस अंधेरे रास्ते को रोशन करना चाहता हूँ. सो डैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे फादर, मेरे वालिद जल्दी वापस आ सके. आई टू वॉन्ट टू हीयर फेरी टेल्स, मैं भी परियों की कहानियाँ सुनना चाहता हूँ. एंड स्टोरीज़ फ्रॉम हिम, न सिर्फ परियों की कहानियाँ बल्कि दूसरी कहानियाँ भी. ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, ए चांद, मुझे टोकरी भर के चांदनी दे दो. आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, मैं चांद के बीज बोना चाहता हूँ. ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते के दोनों तरफ. ये पोयम जो है सुनील शर्मा ने ट्रांसलेट की है डोगरी. ये कश्मीर में बोली जाने वाली एक ज़बान है, वहाँ से इस नज़्म को सुनील शर्मा ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. इस नज़्म में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है. पहले आप समझिए कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच और राइम स्कीम कौन सी है. देखिए, इसमें राइम स्कीम कोई भी नहीं है. देयर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोएम. दिस पोएम इज़ अ फ्री वर्ड्स पोएम. ये एक फ्री वर्ड्स पोएम है. इस पोएम में फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल की गई है, जैसे कि एलिट्रेशन, ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन. अब ये यहाँ पर आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. सो सीड्स, एस एस की आवाज़ यहाँ पर आ रही है. तो इस तरीके से ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये एलिट्रेशन है, रिपीटिशन. देर इज़ नो रिपीटिशन इन दिस स्टैंजा, बट द रिपीटिशन इज़ गिवन इन द पोएम. ओ मून, गिव मी मून लाइट, बास्केट फुल ऑफ मून लाइट. ये रिपीट की गई है, ये पोएम में इस्तेमाल की जाती है. अब इसमें तीसरी फिगर्स ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफ इस्तेमाल की गई है. इसके अलावा राइमिंग वर्ड्स अगर हम देखेंगे तो जैसे कि लाइट या फिर मून लाइट, ये इस्तेमाल किया गया है.
इसी तरीके से इसमें कुछ और राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि डार्क पार्क या फिर सो बो, इस टाइप के आप राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, थीम क्या है, मैसेज क्या है इस पोएम का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज़। द चाइल्ड इज़ टू फार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ डैट इवन हिज रेमेडी फॉर द प्लाइट ऑफ हिज विलेजर्स सीम्स क्वाइट इनोसेंट एंड प्लेन। इस पोएम में एक मैसेज दिया गया है कि दूर गांव में जो बच्चे रहते हैं, जब उनके पेरेंट्स, उनके फादर शहर में काम करने के लिए आते हैं, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। गांव को शहर की कोई शहर में मौजूद कोई भी यहाँ पर शहर की मौजूद कोई भी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिल नहीं मिलती है, और बच्चा इतना इनोसेंट है कि वो शहरी ज़िंदगी में मौजूद फरावानी को नहीं जानता और गांव वालों के दुख दर्द को भी सही तरीके से नहीं समझ पा रहा और बयान भी नहीं कर पा रहा। उसकी मासूमियत में ये तमाम चीज़ें छुपी हुई है। अगर ये आपको नज़्म पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरीके से हौसला अफज़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में इसकी एक्टिविटीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।